नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वही हमारा जो फेवरेट है, यूटीएल का गैमा प्लस। और मेरे चैनल पे जो है काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर, इसका जो यूपीएस मोड है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये यूपीएस मोड सही से काम नहीं करता और आप इसको जो है टेस्ट करके दीजिए। तो कमेंट्स जो लोग कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जो हमारे मॉडेम्स हैं या फिर जो हमारे कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो जाते हैं, और यूपीएस मोड में होने के बावजूद भी जो है हमें इस तरह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, फिलहाल जो है रात का टाइम है, आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, तो कोई भी सोलर एनर्जी भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और हमारा जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम्स हमारा जो है मेंस मोड में चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मेंस का जो स्विच है वो भी मैंने ऑन कर दिया है। तो आइए फटाफट जो है मैं आपको पहले मेरा सेटअप बता दूं कि मैंने जो सेटअप है वो किस तरह से लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है मेरा लैपटॉप लगाया हुआ है, उसमें ये मेरा एक जो है वीडियो प्ले कर रहा है, और यहाँ पे जो है मैंने एक पुराने स्टाइल की जो ट्यूबलाइट होती है वो ट्यूबलाइट मैंने लगा के रखी है, ताकि अगर इसमें कोई फ्लिकरिंग होती है तो वो भी हमें दिखाई दे सके। दोस्तों, इस लैपटॉप की जो ये बैटरी है, ये बैटरी मैंने निकाल दी है इसमें, तो ये जो लैपटॉप है कंपलसरी मेंस पावर पे भी चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बैटरी है यहाँ पे लगती है, लेट मी शो इट टू यू। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका बैटरी का स्लॉट है, ये देखिए। तो ये जो बैटरी है इसकी वो यहाँ पे लगती है। तो आइए इसको हम जो है एक बार वापस ढंग से जो है सेट कर लेते हैं, और ये इस तरह से हो गया मेरा जो है कंप्लीट सेटअप। और यहाँ पे मैंने इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो है एक कैमरा लगा रखा है, तो इसको भी जो है हम ऑन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों, मैंने गैमा प्लस के ऊपर जो है काफी सारे अलग अलग वीडियोस बना के रखे हैं, और कंप्लीट जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको गैमा प्लस और कंप्लीट सोलर एनर्जी के बारे में काफी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और इसका मेंस मोड जो है ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो कैमरा है ये इसकी जो भी सारी हरकतें हैं उसको रिकॉर्ड कर लेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ना, ये आज दांव पे लगा हुआ है, बैटरी भी नहीं है, तो आई होप कि इसमें कोई तरह की दिक्कत ना हो जाए। तो चलते हैं हमारे सेटअप की ओर और इसको जो है हम मेंस मोड से ऑफ करके देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है इसके सेटिंग्स में आपको बता दूं कि ये कौन से सेटिंग पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका जो आईटी मोड है या ये जो यूपीएस मोड है, इसको मैंने ऑन किया हुआ है, इसका ग्रीन एलईडी ऑन है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये देखिए दोस्तों, मेंस ऑन है, मतलब ये जो है मेंस पे चल रहा है, अभी जो है ये मेंस के सप्लाई के ऊपर चल रहा है। इसका वोल्टेज वगैरह जो है आप देख सकते हैं, एसपीवी अभी एब्सेंट है, ये देखिए दोस्तों, एसपीवी और एब्सेंट, मतलब सोलर एनर्जी भी नहीं है। तो इसको जो है मैं मेंस वोल्टेज पे लगा देता हूं, ये देखिए दोस्तों, मेंस ऑन, यूपीएस मोड ऑन, और ये जो है मेंस का वोल्टेज है, ठीक है। तो लेट्स से अ स्मॉल प्रेयर और फिर हम जो है इसको मेंस ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जो है मैं जो है कैमरा स्विच कर देता हूं, तो आप लोग जाइए लैपटॉप के कैमरे पे। ऑल राइट गाइस, आर यू रेडी? लेट्स डू इट। 3, 2, 1। दोस्तों, जैसे ही ये यूपीएस मोड में आया तो इसके जो फैंस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं कि मेंस ऑफ, मतलब मेंस अवेलेबल नहीं है, और वोल्टेज जो है ये जीरो हो गया है। तो फटाफट से देखते हैं कि हमारे लैपटॉप पे कोई इसका असर पड़ा है क्या। ऑल राइट, तो ये लैपटॉप तो यार मजे से काम कर रहा है, इसमें कोई भी तरह की दिक्कत मुझे नहीं दिखी। ये जो ट्यूबलाइट की फ्लिकर है ये मुझे एडिटिंग में पता चलेगी, शायद आप लोगों को अभी ही पता चल गया होगा। तो आइए इसको जो है एक दो बार हम झटके मार के देखते हैं, एक दो बार इसको और स्विच करके देखते हैं कि कोई इसमें फर्क पड़ता है क्या। तो इसको एक बार और ऑन कर लेंगे, और ये जो स्टेबलाइजर है ये थोड़ा सा डिले लेगा। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि क्या आप इस चीज का जो है रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए इसका रिव्यू भी बना के दे दूंगा। ओके, तो स्टेबलाइजर ऑन हो चुका है,
और हमारा UTL गैमा प्लस जो है वो मेंस मोड पे आ गया है। आइए देखते हैं लैपटॉप वापस रिसेट हुआ क्या। नो, इट इज स्टिल वर्किंग। और यार ये देखो मेरी सोलर एनर्जी की प्लेलिस्ट यहाँ पे आ गई है। अगर प्लेलिस्ट आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखो यार, काफी इसमें जो है बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं। तो आइए इसको और एक दो बार जो है हम ऑन ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेंस अभी इसका ऑन है, बंद कर दिया मैंने। ये देखिए मेंस का जो वोल्टेज है वो जीरो आ गया। और देखते हैं लैपटॉप, तो यार मेरा लैपटॉप तो जो है ना आज बिल्कुल मजे से चल रहा है। और इस जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट से तो कुछ ऐसा ही पता चलता है कि इस UTL गैमा प्लस का जो UPS मोड है ना वो कोई इतना बुरा नहीं है। मतलब मेरा लैपटॉप तो इसमें जो है रिसेट नहीं हुआ। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों का इसमें कोई प्रॉब्लम इस तरह से हो रहा है तो आप लोग जरूर इसके सर्विस सेंटर पर जाके कॉन्टेक्ट कीजिए। दोस्तों इस तरह के वीडियो अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों इस तरह के टेक्निकल डिस्कशंस करने के लिए मेरा जो है एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जो है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।